शुक्रवार को तिलक मैदान स्थित एनएसयूआई ने अपने कार्यालय में बिहार विश्वविद्यालय में मार्च में होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर बैठक किया, जिसमें निर्णय लिया गया कि एनएसयूआई हर सीट पर चुनाव लड़ेगी। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने कहा कि एबीवीपी ने विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए कुछ नहीं किया। साथ ही उन्होंने एबीवीपी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हम इस विश्वविद्यालय में कई मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे और छात्र संघ चुनाव से पहले एक विशाल आंदोलन किया जाएगा। आज हम लोग इसलिए एनएसयूआई की बैठक कर रहे हैं, जो बिहार विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हो रहा है, इसके लेकर हम लोग एक अपने जिला स्तरीय बैठक कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सभी कॉलेज में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अभी तक एबीवीपी बताइए छात्रों के लिए क्या किए हैं? कुछ नहीं किए। इसी लेकर हम लोग एक कैंपेनिंग करेंगे हर कॉलेज में जाकर, और सबसे ज़्यादा छात्र छात्राओं को जो और महिलाओं को इस पर सुरक्षा की बात करेंगे। यूनिवर्सिटी में हमारे कॉलेज की कितनी छात्राएं गए देखे कि यूनिवर्सिटी गए, पेंडिंग रिजल्ट हुआ, उससे 500 300 ये क्या घुसखोरी है भाई। किन मुद्दों को लेकर आएंगे आप? मुद्दा इस पे अनेकों मुद्दा है, कॉलेज में बहुत सारा मुद्दा है। एक दो मुद्दा बताइए। सबसे ज़्यादा मुद्दा तो लाइब्रेरी में देखिए क्या होता है हमेशा, सेशन लेट का समस्या, इसको लेकर क्या आएंगे? इसके लेकर तो सब पार्टीज के लिए लेकर अपना विरोध दर्ज कर रही है, लेकिन इससे एनएसयूआई इससे लेकर सबसे ज़्यादा उत्साहित होकर इस बार छात्र चुनाव में इस मुद्दा को रखेगी आगे बढ़ चढ़कर। सीतामढ़ी मोतिहारी से यहाँ पे छात्र आते हैं, बहुत परेशानियाँ होती है, उसको लेकर क्या? हम लोग विश्वविद्यालय कमेटी इसलिए तो बोल रहे हैं कि सर कि विश्वविद्यालय का जो चुनाव इस बार अपने पूरे जिला पे जो छः है अपने विश्वविद्यालय के अंदर आते हैं, मोतिहारी, बेतिया, शिवहर, सीतामढ़ी हो गई, हाजीपुर हो गई, मुजफ्फरपुर हो गई, सब लेकर हम लोग उस पर बैठक करेंगे और उस पर पूरा एक ऐसा आंदोलन करेंगे जो रिजल्ट गड़बड़ी है उसके लेकर बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं इसी चुनाव के लेकर। चुनाव आपका मिथिलेश कुमार मौसम, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर।